भाई मीशो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है एंड मीशो से जो भी लोग प्रोडक्ट्स मंगाते हैं उनका कहना है कि मीशो के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा चीप होती है एंड ऑब्वियसली क्वालिटी अगर चीप है तो प्राइस भी थोड़े बहुत कम ही मिलेंगे। अब हाँ, मीशो पे आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी सारे गैजेट्स मिल जाएंगे एंड इसीलिए मैंने भी यहाँ पे 5 गैजेट्स मंगाए हैं मीशो से एंड ट्राई करेंगे इनकी क्वालिटी कैसी है एंड इस वीडियो के लास्ट में आपको कंक्लूजन मिल जाएगा कि एक्चुअली में मीशो के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चीप होती है या फिर सिर्फ प्राइस कम होती है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हम प्राइस के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि इसकी क्वालिटी चीप है बट एक्चुअली में क्वालिटी डिसेंट होती है, इसीलिए मंगाए ये प्रोडक्ट एंड चेक करेंगे। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो भाई पहला है ये 2-in-1 पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर। भाई इसकी और भी मैंने काफी सारी वीडियोस देखी थी जिसमें इसको काफी ज्यादा पावरफुल बताया गया है, आई मीन क्लीन करने के लिए रूम वगैरह या फिर जो भी आपका पीसी वगैरह पे डस्ट है उसको क्लीन करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। तो चलो अब इसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं। ये है इसमें वैक्यूम क्लीनर एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, साइज़ काफ़ी छोटा है एंड साथ में इसमें आपको मिलता है ये नोज़ल लगाने के लिए एंड साथ ही इसमें यहाँ पे आपको मिलता है एक फ़िल्टर जो कि आप यहाँ पे लगाएंगे तो जो भी डस्ट वगैरह है वो इसकी मोटर के अंदर नहीं जाएगी। तो चलो इसको लगा लेते हैं पहले तो। एंड साथ में इसके आपको मिलती है एक और पतली सी नोज़ल जिससे डस्ट वगैरह आप इजीली क्लीन कर सकते हो छोटे छोटे एरियाज में भी। तो उसके बाद है ये ब्रश वाली नोज़ल जिससे आप पहले तो इसको साफ कर सकते हैं, डस्ट वगैरह कहीं पर जमी हुई है तो इसकी हेल्प से वो साफ़ हो जाएगा एंड उसके बाद वैक्यूम का काम होगा। तो इसको भी आप इसमें लगा सकते हैं, ये देखो इस टाइप से। एंड भाई उसके बाद आपको मिलती है यहाँ पे एक टाइप सी यूएसबी केबल, टाइप सी टू ए। अब इसके अंदर आपको इनबिल्ट बैटरी मिलती है एंड टाइप सी से ये इजीली यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, आप किसी भी चार्जर से या फिर पावर बैंक वगैरह से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो चलो एक बार इसकी पावर चेक करते हैं कि क्या ये एक्चुअली में वर्क करता है। तो भाई साउंड सुन के तो लग रहा है ये वर्क करेगा, लेकिन अब हम इससे अपना पीसी साफ करते हैं क्योंकि पीसी पे काफी ज्यादा डस्ट हो गई है एंड इसकी हेल्प से आई होप ये क्लीन कर देगा। तो भाई ये देखो इस फैन पे कितनी सारी डस्ट है एंड सबसे पहले तो इस ब्रश की हेल्प से हम इसको साफ करेंगे एंड उसके बाद वैक्यूम से इसको क्लीन करेंगे। भाई देखो ये वैक्यूम क्लीनर एक्चुअली में वर्क तो करता है, डस्ट वगैरह इजीली आप इससे क्लीन कर सकते हो, लेकिन जो पीसी है उसकी डस्ट इससे क्लीन नहीं होगी क्योंकि उसमें जो डस्ट है वो जम जाती है एंड ब्रश की हेल्प से आप उसको हटाओगे तो जो पीसी में फैंस वगैरह होते हैं वहां की डस्ट फिर भी रह जाएगी। एंड उसके लिए मैंने और गैजेट्स देखे जिसमें मुझे मिला एक ब्लोअर एंड इसी टाइप का एक और गैजेट आता है जिसमें आपको वैक्यूम एंड ब्लोअर दोनों चीजें मिलती हैं, तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा जिससे कि ब्लोअर की हेल्प से डस्ट पहले ही वहां से जो चिपकी हुई डस्ट है वो हट जाएगी एंड वैक्यूम से वो आप साफ कर सकते हो। तो ये कार वगैरह के लिए तो ठीक है वैक्यूम क्लीनर बट पीसी के लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं दूसरे गैजेट की तरफ। तो भाई ये है चॉपर जिससे आप वेजिटेबल्स वगैरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हो। तो ये स्पेशली मैंने मंगाया है अपनी मदर के लिए जो कि किचन में काम करते टाइम काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये। एंड इसमें आप जो प्याज वगैरह है या फिर जो भी वेजिटेबल्स हैं उसको बड़े बड़े पीसेस में अगर कट करके इसके अंदर डालते हैं तो ये उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस वाले हैंडल को पकड़ के खींचना है एंड 4-5 बार आप खींचेंगे तो ये जो है वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा। एंड ये मैंने स्पेशली मम्मी के लिए मंगाया है जिससे कि उनको प्याज वगैरह काटने में ज्यादा टाइम वेस्ट करना ना पड़े एंड उनकी आंखों से भी आंसू वगैरह ना आए प्याज काटते टाइम। एंड सच में ये इफेक्टिव है, काफी अच्छे से वर्क करता है। तो चलो बढ़ते हैं दूसरे गैजेट की तरफ। तो भाई दूसरा है ये, अब इसको खोलते हैं पहले तो। हाँ ये कर लो पहले। तो भाई ये है एक ऑक्स केबल जिसकी लेंथ है लगभग 3 मीटर एंड ये मैंने मंगाई है अपने बोया BY MM1+ माइक के लिए। अब इसके साथ जो केबल आती है उसकी लेंथ सिर्फ इतनी है जिससे वीडियो शूट वगैरह करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब भाई ब्लॉगिंग के लिए तो ये केबल ठीक है लेकिन जब मैं इससे इंडोर में शूट करता हूँ तो भाई एको वगैरह क्रिएट होता है जिसके लिए मुझे इसको पास से यूज करना पड़ेगा एंड केबल काफी छोटी थी तो इसलिए मैंने ये वाली केबल मंगाई जिससे मेरा काम इंडोर में भी ये कर सके। तो भी देखें
तो भाई लेंथ तो इसकी काफी ज्यादा है, 3 मीटर है, अच्छे से काम कर जाएगा। लेकिन इसकी क्वालिटी केबल की इतनी अच्छी नहीं है। आई मीन यार, इसमें थर्ड क्वालिटी की ये प्लास्टिक इन लोगों ने यूज की हुई है, तो भाई ये काफी चीप क्वालिटी की लग रही है मुझे केबल। लेकिन हाँ, काम कर जाएगा ये, मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं है क्वालिटी, बट अगर आप कोई केबल देख रहे हैं तो भाई 150 रुपए में क्या ही मिलता है, 3 मीटर की केबल मिल जाती है आपको, ठीक है, काम कर जाएगा ये भी। तो नेक्स्ट गैजेट की तरफ चलते हैं। इसके अंदर है वेइंग मशीन। तो भाई ये वेइंग मशीन भी किचन वगैरह के लिए ठीक है, आई मीन छोटे मोटे वेट अगर आपको करने हैं तो उसके लिए काफी काम आएगी। सबसे पहले इसमें दे दिया भाई रेटिंग, दो 5 स्टार की रेटिंग दो। अब देखते हैं ना क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे रेटिंग देंगे। तो भाई उसके अंदर मिला है ये इसके कुछ फीचर्स एंड कैसे इसको ऑपरेट करना है और जो भी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। एंड ये है भाई हमारा वेइंग मशीन, देखने में तो अच्छा है काफी। एंड अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, पहले सेल देखते हैं इसके। सेल भाई प्री इंस्टॉल्ड आए हैं, 2 सेल डले हुए हैं इसमें ऑलरेडी, तो भाई ये भी ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं होंगे इसमें। एंड इसमें आपको वेट लिमिट मिलती है 1 ग्राम से 10,000 ग्राम, यानी कि 10 kg तक आप इसको वेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक टेयर बटन, एक यूनिट बटन एंड एक ऑन ऑफ बटन। एंड यहाँ पे आपको 2 यूनिट मिलती है, एक तो है ग्राम्स एंड एक है ओजी, इसका पता नहीं, छोड़ो, हमें ग्राम में वेट करना है तो हम ग्राम यूज करेंगे। तो चलो अब एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये सही वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो भाई देखो, ये भी अच्छी क्वालिटी का है प्रोडक्ट एंड मेजर भी ठीक कर रही है, कोई एरर नहीं है इसमें। एंड साथ में प्री इंस्टॉल सेल भी आए हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। तो भाई अब बचा है ये लास्ट प्रोडक्ट जो कि है हमारे ईयरबड्स, जो कि कॉपी हैं एप्पल एयरपोड्स के। तो देखते हैं इसको। ओह, ये तो भाई वो वाले हैं जो स्ट्रीट साइड मिलते हैं भाई, वैसे 250-300 रुपए में और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे इनसे। तो भाई बॉक्स है, बॉक्स को ओपन करके इसके अंदर एक मिलता है ये यूजर मैनुअल, जिसमें दे रखा है ये कैसे क्या ऑपरेट करना है इसको। इस पे लिखा हुआ है इन पोर्ट्स 3। एंड भाई इस एयरपोर्ट्स की क्वालिटी भी इतनी ज्यादा खास नहीं है, आई मीन भाई वेट ही अगर कंपेयर करोगे तो कोई भी हाथ में लेके बता सकता है कि ये लोकल है। अगर आप 250 रुपए दे रहे हो तो 200-400 रुपए और देके आप थोड़े अच्छी क्वालिटी के मंगा सकते हो, जिसमें आपको वारंटी वगैरह भी मिल जाएगी। इनफैक्ट ANC वगैरह भी 1,000 रुपए तक के में मिल जाती है, जो कि ऑब्वियसली डुप्लीकेट होते हैं, बट क्वालिटी इससे ज्यादा डिसेंट होती है। एंड इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा बेकार है। तो भाई प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट ठीक है, 250 रुपए में ईयरबड्स नहीं मिलते हैं तो ये दे रहे हैं वही एक बड़ी बात है। लेकिन अगर आप क्वालिटी देखते हो तो बहुत ज्यादा चीप है, मत बाय करना। वैसे तो ये वीडियो पूरी शूट हो गई थी एंड एडिटिंग चल रही थी, एंड उसी टाइम मीशो से ये प्रोडक्ट आया, एंड मैंने सोचा क्यों ना इसको भी इसी वीडियो में ऐड कर दिया जाए। तो भाई ये है एक वायरलेस माइक जिसकी प्राइस नियरली 500 के आसपास रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। अब देखो, इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है इसकी साउंड क्वालिटी पे, साउंड क्वालिटी अगर अच्छी आएगी तो भाई इसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग तो ठीक है इसकी, इसको अनबॉक्स करते हैं तो भाई कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा ये बॉक्स। तो इसके अंदर 2 यहाँ पे दिए हुए हैं ट्रांसमीटर, एंड ये है एक रिसीवर जिसको आपको अपने फोन में लगाना है। तो चलो अब इसको भी निकालते हैं। तो ये भाई आया है टाइप सी के साथ में। अब जिसके पास टाइप सी है वो डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके पास टाइप सी नहीं है वो कनेक्टर यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये है भाई माइक जिसको आप अपने कॉलर पे लगा सकते हैं। एंड इसके अंदर ये देखो एक क्लिप भी मिलती है जिसको आप इजीली अटैच कर सकते हैं अपने कॉलर से। लाइक अगर मुझे अटैच करना है तो मैं कुछ इस टाइप से को अटैच कर सकता हूँ। एंड भाई यहाँ पे एक और माइक मिलता है ये वाला, एंड सिमिलरली इसको भी आप अटैच कर सकते हैं। एंड इनको चार्ज करने के लिए आपको टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, इजीली आप दोनों को चार्ज कर सकते हैं। के बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक और कनेक्टर, जैसे कि मैंने बताया अगर टाइप सी नहीं है आपके पास तो आप, जैसे ये आईफोन का कनेक्टर है तो आप आईफोन में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो भाई ये प्लस पॉइंट है कि साथ में दिया हुआ है, क्वालिटी कैसी भी हो चीजें तो साथ में दी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे दी हुई है एक केबल जिससे आप इसको चार्ज करेंगे, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगी एक टाइप सी टू USB केबल जिससे आप अपने माइक को इजीली चार्ज कर पाओगे। तो भाई टाइप सी केबल, ये सारी एसेसरीज इसमें मिलती हैं दोनों, तो इजीली आप इसको यूज कर पाओगे। तो चलो एक बार इसकी साउंड क्वालिटी चेक करते हैं कि साउंड क्वालिटी सच में डिसेंट है या फिर नहीं। एंड अगर इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी हुई तो भाई आगे से वीडियो इसी के साथ देखने को मिलेगी। तो भाई इसको मैंने अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इसको अपने फोन से कनेक्ट करोगे OTG के थ्रू या फिर डायरेक्टली, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये पावर बटन, इस बटन को अगर आप प्रेस करके
करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ये ग्रीन लाइट जो इंडिकेट करती है आपका जो ये माइक है ये पेयर्ड हो चुका है ट्रांसमीटर के साथ में। ये जो अभी आप वॉइस सुन रहे हो ये भी इसी से रिकॉर्ड हुई है, कोई भी एक्स्ट्रा माइक इसमें नहीं है, डायरेक्टली ये मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है। एंड इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है ये आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब भाई बात करते हैं कंक्लूजन की है। मतलब मैंने 5 प्रोडक्ट्स मंगाए हैं एंड पांचों में किसकी क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी लगी है वो बताता हूँ। तो देखो सबसे पहला है ये वेग मशीन, तो भाई देखो इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है एंड इसके साथ प्री इंस्टॉल सेल आते हैं, एक्स्ट्रा उसका भी खर्चा नहीं है तो वो भी ठीक ठाक है, तो इसकी क्वालिटी डिसेंट है। आप मीशो के इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो भाई डिसअपॉइंट नहीं होगे। मैं भी रिकमेंड करूंगा अगर आप छोटे मोटे वेट के लिए घर पे मशीन चाहते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा है ये वैक्यूम क्लीनर, अगर आप कार वगैरह साफ करने के लिए लेना चाहते हैं तो ये ठीक है, पीसी के लिए मत बाय करना। एंड इसकी क्वालिटी सच में डिसेंट है एंड पावर भी इसकी काफी ज्यादा है, अगर आप फुल चार्ज पे इसको यूज करोगे तो काफी अच्छे से ये आपकी कार की सफाई कर देगा। अब भाई ये मैंने इससे देखो प्याज काट के देखा था मैंने भी एंड काफी छोटे छोटे पीसेस में ये वेजेस को कट कर देता है, तो भाई थोड़ा सा इसमें मुझे कमी लगी जब हम इसके हैंडल को खींचते हैं तो ये इतनी ज्यादा फोर्स के साथ रोटेट नहीं करता है, बट फिर भी काफी अच्छे से इसने वेजिटेबल्स कट कर दी थी तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी ठीक ठाक है प्रोडक्ट। इनफैक्ट इस माइक की बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा डिसेंट है, पैकेजिंग भी काफी तगड़ी आई है, बट इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है आप चेक करके कमेंट में बता ही दोगे। तो भाई ओवरऑल इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि मीशो पे अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो भाई रेटिंग का ध्यान रखना एंड रेटिंग ही नहीं रिव्यू का भी ध्यान रखना, लोग रिव्यू देते हैं उसको रीड करना है कि बाकी जो कस्टमर है उनका इस प्रोडक्ट को लेके क्या रिव्यू है, अगर उनका रिव्यू आपको ठीक लगता है पढ़ के देखोगे अगर ठीक है तो आप बाय कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रिव्यू ठीक नहीं है या फिर रेटिंग ठीक नहीं है तो भाई बाय मत करना। एंड सेकंड थिंग मीशो पे आपको ट्रस्टेड सेलर करके ऑप्शन मिलता है, जो ट्रस्टेड सेलर है उन्हीं से बाय करना क्योंकि मीशो पे कोई भी रजिस्टर कर लेता है अपना अकाउंट एंड चीजें सेल करना स्टार्ट कर देता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है मीशो का बट काफी सारे लोगों को लिए एडवांटेज भी है, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो चीप प्राइस में, काफी अच्छी क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। बाकी ऐसे और अमेजिंग गैजेट्स की अमेजिंग अनबॉक्सिंग के लिए सब्सक्राइब द अनबॉक्स चैनल, अनबॉक्स द गैजेट अनबॉक्स द हैप्पीनेस।